स्ट्रीट फिश मार्केट फिशरमैन का एक्सपेंसिव कार। मछलीपुर नाम के गांव में दो दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम लड्डू गुड्डू था। लड्डू अच्छा था मगर गुड्डू धोखेबाज आदमी था। दोनों ही मछुआरे थे। आए दिन वो दोनों अपने नाव पे समुन्द्र में मछली पकड़ने के लिए जाते थे, मछली लाकर बाजार में बेचते थे। दोनों की शादी हुई और बीवी बच्चे भी थे। लड्डू कमाए हुए पैसे लाकर पत्नी को देता था। गुड्डू दारू पीकर घर आकर पत्नी से झगड़ते रहता था। इससे उसकी पत्नी कभी कभार लड्डू वालों के पास से पैसे कर्जा लेती रहती थी। कभी कभार गुड्डू को मछली नहीं मिलती तो वो लड्डू के मछलियों को चुराता था। एक बार दोनों मछली पकड़ने लगे तो गुड्डू को मछली नहीं मिले मगर लड्डू को एक बड़ी मछली मिली। लड्डू तब, भाई तुम्हें मछली नहीं मिले है कहकर दुखी मत हो, इसमें से आधा तुम्हें दूंगा। चलो घर जाकर इसका सालन बनाकर खाएंगे, कुछ बचा तो कल बाजार में बेचेंगे, कहा। ऐसे वो दोनों उस मछली को उठाकर घर लाए। लड्डू चाकू से मछली को काटा, उसके दो टुकड़े हुए। उसके अंदर से एक बड़ी बोरी बाहर आई। क्या है कहकर खोल के देखे तो उसके अंदर पूरे सोने के बिस्किट्स थे। लड्डू तब, बाप रे इतना सारा सोना, लगता है कोई स्मगलिंग करते वक्त इसे गिरा दिया होगा। इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, इसका मिलना हमारी खुशकिस्मती है, मगर ये बात बाहर पता चला तो बहुत परेशानी होगी। मैं तुम्हें इसमें से आधा हिस्सा दूंगा, किसी को शक ना हुए जैसे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके संभल के जीना दोस्त, कहकर आधा सोना लेकर गुड्डू को दिया। गुड्डू खुशी से घर आकर पत्नी से जो बीता सब बताया। लड्डू भी पत्नी से सब बताकर एक सोने के बिस्किट को लेकर, मैं जाकर इसे बेच कर आता हूँ, वो पैसे खत्म होने तक ये सोना गड्ढे में ही छुपा कर रखना, कहकर दिया। लड्डू सोना बेचकर पैसे लाकर बीवी को दिया। किसी को शक ना हुए जैसे आए दिन मछली पकड़ने जाने लगा, मगर गुड्डू मछली पकड़ना छोड़ दिया। वो और उसके परिवार का स्टाइल ही पूरा बदल गया। सोने को बेचे पैसों से एक बड़ा घर और कार खरीदा। वो और उसके परिवार वाले कीमती कपड़े पहनकर कारों में घूमने लगे तो लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। गुड्डू अपने देर होशियारी से लोगों को धोखा दे सकता है सोचकर मार्केट में जाकर मछलियां खरीद कर उन्हें अपने कार में डालकर गाँव में आकर एक ठेले पे रख कर काट कर लोगों को बेचने लगा। एक बार लड्डू की पत्नी गुड्डू की पत्नी एक महिला से उन्हें सोना कैसे मिला है कहकर बोल रहे तो सुन ली। ऐसे ही एक बार लड्डू को शराब के दुकान से जाते वक्त गुड्डू वहां पर शराब पीते हुए थोड़े लोगों को वो सोना उन्हें कैसे मिला है कहकर बहुत गर्व से कहते हुए दिखा। लड्डू घर आकर पत्नी को सब बताकर अचानक से अमीर होने के वजह से ये गुड्डू खुद बर्बाद होते हुए हमें भी बर्बाद करने वाला है, पहले हमें ये गाँव छोड़कर जाना है, चलो, कहा। लड्डू की पत्नी, हाँ जी मैं भी वही सोच रही हूँ, यहाँ रहे तो किसी ना किसी दिन मुश्किल में पड़ेंगे, चलिए, बोली। ऐसे वो लोग उस सोने को लेकर बच्चों के साथ मिलके बस चढ़कर गांव छोड़कर चले गए। कहीं दूर जाकर वहाँ पर घर और कार खरीदकर आराम से जीने लगे। गुड्डू को सोना मिलने की खबर धीरे धीरे फैल कर आखिर में मुंबई माफिया डॉन राजन तक पहुँची। राजन तब, तो ये पक्का हमारा खोया हुआ सोना ही है, उसे पकड़कर हमारे सोने को लेना होगा। ऐसे वो लोग आकर गुड्डू को पकड़कर खूब मारे। तब उसकी पत्नी, श्रीमान हाथ जोड़ती हूँ, इस सोने में सिर्फ आधा सोना ही हमने लिया है, बाकी का सोना लड्डू वालों के पास है, वो कहीं चले गए हैं। हमारे पास बचा हुआ सोना, ये घर, ये कार सब आपको दे दूंगी, हमें छोड़ दीजिए, कहकर हाथ जोड़ी। ऐसे गुड्डू उन्हें सब देकर बाहर आ गया। फिर से मछलियां पकड़ते हुए पुरानी जिंदगी जीने लगा। लड्डू, दोस्तों देखे ना मेरे दोस्त गुड्डू की मुंहफट होने का नतीजा, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें हर दम विनम्र रहना चाहिए। खाते वक्त कौन कौन इसे देखता है, किस किस को ये कहानी पसंद आई है, कमेंट में बताइए। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।
तंदूरी चाय वाला। विराजपुर नाम के गांव में हार्दिक नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत बड़ा लालची आदमी था, हर एक चीज मुफ्त में पाने के लिए सोचता था। हार्दिक बहुत दिनों से खाली रहने के कारण वो एक बार भट्टी में काम करने वाले भाटिया के पास गया। भाटिया को भट्टी में काम करते हुए देखकर हार्दिक अपने मन में, ये भाटिया सुबह से भट्टी में काम करके काम खत्म होने के बाद उन कोयलों पे पानी डालकर चला जाता है, इसे अपने बातों में फुसलाकर दोपहर को इसे मैं ले लिया तो अच्छे से तंदूरी चाय बेच सकता हूँ। सोचकर हार्दिक भाटिया से, अरे भाटिया भाई, हाल ही में मैंने अपने गुरुजी से मिला था, हमारे आगे नहीं बढ़ने का कारण हमारी गलतियां हैं कहकर बोल रहे थे। आप दोपहर को इन कोयलों के ऊपर पानी डाल रहे हो ना, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो कहकर मुझे लग रहा है, कहा भाटिया तब। रे हार्दिक, ये गर्मी में करने वाला काम है, सुबह सुबह दोपहर आने से पहले ही काम कर लेना पड़ता है, तभी यहाँ के गर्मी को सह सकते हैं। दोपहर को काम खत्म करके चले जाना होगा, अगर बिना पानी डाले चले गए तो अंगारे उछलकर कुछ जल गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, कहा हार्दिक तब। भाई, मुझे आपकी भलाई ही चाहिए, मैं वैसे भी आजकल खाली हूँ, मैं दोपहर को आकर इन अंगारों के भुजने तक यहाँ पर ही रहूँगा, मुझे महीने के खर्च के पैसे दिए तो बस है भाई। यूँ कहते ही भाटिया ठीक है कहकर मान गया। उस दिन से भाटिया के जाते ही हार्दिक उस भट्टी पे तंदूरी चाय बनाकर बेचना शुरू कर दिया। आसपास काम करने वाले लोग आकर तंदूरी चाय पीने लगे। ऐसे देखते देखते तंदूरी चाय बहुत मशहूर हुई। हार्दिक बहुत पैसे कमाने लगा। फिर भी हार्दिक लालच के चलते भाटिया के पास से पैसे लेने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद भाटिया को हार्दिक की बात पता चली। भाटिया और उसकी पत्नी वहां पर आए। अब हार्दिक से भाटिया, रे भाई, ये अन्याय है रे, तुम अच्छे से पैसे कमाते हुए मेरे पास से पैसे ले रहे हो, ये ठीक नहीं है, कहा हार्दिक। देखो भाई, तंदूरी चाय बनाकर बेचना मेरी अकलमंदी है, तुम मुझे आइडिया दिए जैसे बिल्डअप मत दो, मैं ये काम आपके अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ, अंगारों पे पानी डाले तो आपको ही नुकसान होता है ना, एक बार सोच लो, कहा। ये बात सुनते ही भाटिया की पत्नी बबीता, ठीक है भाई, तुम्हें उतनी मेहनत करके दोपहर को आने की जरूरत नहीं है, मेरे पति के जाने के बाद मैं यहाँ आकर बैठूंगी, वो तंदूरी चाय मैं ही बनाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, बोली हार्दिक तब। ऐसे कैसे होगा, मैंने 2 महीनों से लोगों को तंदूरी चाय की आदत डाली है, ये अन्याय है, कहा बबीता तब। रे बैंस कही के, तुम हमारे अंगारों का इस्तेमाल करके उस पे तंदूरी चाय बना के बेच कर हमें ही धमकाओगे क्या? देखो, हमारे अंगारों का इस्तेमाल करने के बदले तुम्हें हमें 30% मुनाफा देना होगा, नहीं तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, बोली। हार्दिक को अपना व्यापार खोने का डर लगने लगा और बबीता को 30% पैसे देने के लिए मान गया। वो देखकर भाटिया खुश हुआ।